वैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, कहाँ तक बात की थी, हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बात की थी प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी। इसमें फर्स्ट प्रोसेस की हमने बात की, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की, स्पर्मेटेड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड, ठीक है ना। सेकंड आता है ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मिया, इसी को बोल जाता है स्पर्मिया जेनेसिस, ठीक है। पहले इससे पहले समझने से पहले देखते हैं हम लोग स्पर्म के अगर करेक्टर देखे जाए, स्पर्म के यदि करेक्टर देखे जाए तो क्या होता है, हैप्लॉइड होगा, ये क्या होगा, किस कंडीशन में होगा, हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। इसे क्या क्या बोला जाता है, मेल गैमेट बोला जाता है। साथ ही साथ ये क्या होगा, मोटाइल होगा, मतलब मूवमेंट इसमें हो सकता है, क्या है, मूवमेंट इसमें हो सकता है। क्यों हम लोग बोलते हैं, स्पर्म ही मेल द्वारा स्पर्म में कहाँ तक ले जाए जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए, फीमेल बॉडी तक, और फीमेल बॉडी के अंदर भी क्या करना होता है, इनको ओवा तक पहुँचना, ओवा तक क्या होगा, इसको पहुँचना पड़ेगा। ओवा तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ दूरी या डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस को इसको कवर करना पड़ेगा। तो ये इसीलिए इसको बोला हमने क्या, मोटाइल। एग है जो, ओवा है जो, वो क्या है, फिक्स स्ट्रक्चर है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। स्पर्म है जो मोटाइल कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आसानी से एक लिक्विड मीडियम में या एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है, तैर सकता है, ठीक है ना, स्विम कर सकता है। ओके, तो अभी हमने बात की इसमें दो तरह के क्या हों, प्रोसेस हो, पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अभी जो स्पर्मेटिड है, ये जो स्पर्मेटिड आपका बना है, ये क्या होगा, नॉन मोटाइल सर्कुलर, मतलब राउंड शेप में पाया जाए, गोलाकार पाया जाए, नॉन मोटाइल हो, चल नहीं सकता, मतलब गति नहीं कर सकता। फिर आती है बात, प्रोसेस आता है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म, मतलब ये जो नॉन मोटाइल स्पर्म है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड है, ठीक है ना, किस में चेंज है, मोटाइल में, मोटाइल स्पर्म में चेंज हो जाए। इसका जो सर्कुलर शेप है, ये किस में आ जाए, लेंसलेट शेप में आ जाए। लेंसलेट होता है भाले के समान, कुछ इस प्रकार से, तीर की तरह, ठीक है ना, कुछ तीर की तरह इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार में क्या आ जाए, स्ट्रक्चर में आ जाए। तो ये क्या हो जाए, इस प्रकार से अगर आएगा तो किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट आसानी से कर सकता है, किसी भी चीज़ को छेद आसानी से कर सकता था। अगर ये सर्कुलर शेप में होगा तो आसानी से छेद नहीं कर सकता। तो पहला प्रोसेस पढ़ते हैं, तो प्रोसेस नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ठीक है ना। जो प्रोसेस था हमने क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब इसमें भी क्या होते हैं, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमेशा तीन पूरा का पूरा फॉर्मेशन में स्पर्मेटिड का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या होता है, तीन प्रोसेस में चलता है। पहला होता है इसका मल्टीप्लिकेशन, पहला होता है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना। ओके, हमने बोला स्पर्म का फॉर्मेशन किससे हुआ, प्रीमोडियल जर्म सेल से हुआ, ठीक है ना। प्रीमोडियल जर्म सेल टू एन कंडीशन में थी अभी तक, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, मियोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक, क्या थी, टू एन कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में थी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी यही बोल रहा है कि एक से दो का बनना, दो से चार का बनना, ठीक है ना। इसमें हम किसी भी प्रकार का क्या है, मियोसिस का डिवीज़न नहीं करते, ओनली करते हैं हम लोग माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है ना, क्या करते हैं,
माइटोटिक डिवीजन, और इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं अगर तरीके से और भी देखा जाए। यहाँ पे मान लो आपके पास एक सिंगल क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम बोल सकते हैं आप, प्रीमोडियल जर्म सेल इसे बोला जा सकता है, ठीक है ना, प्रीमोडियल जर्म सेल बोल सकता है। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, यहाँ लिख देते हैं माइटोटिक डिवीजन, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन ये कहता है विदाउट क्रोमोसोम नंबर जो भी है हाफ नहीं होगा, इसी के समान दो नई सेल्स का क्या हो जाए, ओरिजन हो जाए या फॉर्मेशन हो जाए। तो इसी के समान हमने क्या कर रखा है, ये भी 2n कंडीशन में थी, ये जो दो सेल बनी है यहाँ पे, ये भी जो दो सेल बनी है ये क्या होंगी, 2n कंडीशन में, और मल्टीप्लिकेशन भी यही कह रहा है आपसे, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी यही कह रहा है, अब दो से क्या बन जाए यहाँ पे चार हो जाए। दो से क्या हो जाए यहाँ पे चार हो जाए। तो ये जो चार सेल बन के आई हैं हमारे पास, जो चार सेल बन के आई हैं किस कंडीशन में, 2n की कंडीशन में, इन सेल्स को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। ये आपको होता है क्या, कौन सी फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, जहाँ पर एक से चार सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया या एक प्रीमोडियल जर्म सेल से चार चार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है इसकी ग्रोथ फेज, उसके बाद में आती है इसकी ग्रोथ फेज, ठीक है ना। ये चारों के चारों सेल मिलकर, मिलकर नहीं मतलब अलग अलग होकर, इनमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, इनमें साइज में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होंगे, साइज में क्या होंगे, इसमें चेंजेस होंगे, कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाए, ये सेल बढ़ जाएंगी, जो कि करते हैं अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है इन्हें, कुछ मात्रा में क्या हो स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में ग्लाइकोजन और स्टार्च पाया जाएगा। इससे क्या हो जाएगी, इनकी साइज़ में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। तो सेकंड फेज क्या हो गई आपकी, ग्रोथ फेज, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या, एक से चार सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को क्या करा, रेंडमली डिवाइड करना, ठीक है ना, डिवाइड बोल सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सबसे अच्छी बात है मल्टीप्लाई कर दी। एक से हमने क्या कर दिया, चार सेल का फॉर्मेशन कर लिया, ग्रोथ फेज ये कहते हैं, उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, सेल जो भी बन के आई थी आपके पास उसमें क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका साइज इंक्रीज हो जाए। तो इस प्रकार की जो सेल बन के आएंगी आपके पास, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। पहला था प्राइमरी, यहाँ पे आ गया सेकेंडरी, जो कि क्या है, थोड़ी सी शेप में बड़ी पाई जा रही है, जो कि क्या है, शेप में थोड़ी सी बड़ी पाई जा रही है, ठीक है। ये बन गई आपके पास क्या, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे प्रत्येक सेल से क्या हो, यहाँ पे होगा आपके पास मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस यहाँ लिख सकता हूँ, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है ये क्या हो जाएगी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या होंगी, आपकी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, दो सेल्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मियोसिस के बाद में हमने देखा, ये सेल क्या थे, डिप्लॉयड कंडीशन में थी, यहाँ पे आते क्या, मियोसिस के बाद में क्या हो जाएंगी, सारी की सारी हैप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगी, सारी की सारी किस कंडीशन में आ जाएंगी, ये
हैप्लॉयड कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इन सेल को हम लोगों ने बोला है क्या, स्पर्मेटिड। क्या बोला है? स्पर्मेटिड। और ऊपर भी हम प्रोसेस पढ़ रहे थे स्पर्मेटिड का, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। लेकिन ये क्या है, सर्कुलर शेप में पाई जा रही है। ये सारी की सारी क्या पाई जाती है, सर्कुलर शेप में पाई जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक आ जाती है आपकी तीसरी फेज, ये आ जाती है आपकी मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन फेज। तो हमने अभी अभी देखा है क्या, तीन तरह की फेजेस देखी है हमने। अभी हमने क्या देखी है, तीन तरह की फेजेस देखी हैं। पहली थी आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी थी ग्रोथ फेज, और थर्ड थी आपकी मैचुरेशन फेज, ठीक है। तीसरी क्या थी आपकी, मैचुरेशन फेज। पहली में हमने देखा है एक प्रीमियोडल जर्म सेल थी, जो कि क्या कही पाई जाती है, डिप्लॉयड कंडीशन में पाई जाती है। किस कंडीशन में? डिप्लॉयड कंडीशन पाई जाती है। उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, पहले बनेंगी दो सेल, पहले बनेंगे क्या कि डिप्लॉयड की दो सेल, फिर उनमें क्या होगा, वापस से माइटोटिक डिवीजन होगा और क्या हो जाएंगी, चार डिप्लॉयड माइटोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सेल को हमने बोला क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेल्स को हमने बोला क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास किसी प्रकार का क्या हो, डिवीज़न नहीं होगा, ना तो माइटोटिक ना मियोटिक मियोसिस डिवीज़न होगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, साइज में वृद्धि करेंगे, साइज इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस साइज को इंक्रीज होगी। तो इसीलिए इस फेज को बोल रखा है हमने क्या, ग्रोथ फेज। इसीलिए इस फेज को बोल रखा है हमने क्या, ग्रोथ फेज बोल रखा है। थर्ड आती है आपकी, अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन के आई है आपके पास, जो साइज में थोड़ी सी क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कंपेरेटिव क्या होती है, थोड़ी सी लार्ज पाई जाती है। इनमें होगा आपके मियोसिस। मियोसिस हमेशा ये कहते हैं, जो भी सेल का फॉर्मेशन हो, जिस भी सेल का फॉर्मेशन हो, उसमें क्या हो जाए, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, हमेशा हाफ पाया जाए। क्रोमोसोम नंबर क्या हो, हमेशा हाफ पाया जाए। तो इस प्रकार का जो आपका डिवीज़न होता है वो क्या कहलाता है, आपका मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न के बाद में एक सेल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या होते हैं, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। अभी स्पर्मेटिड है, ठीक है ना। ये क्या होता है, मैच्योर कंडीशन में, क्योंकि इसमें स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट के रूप में ग्लाइकोजन भी पाया जा रहा है, स्टार्च भी पाया जा रहा है, और क्रोमोसोम नंबर सारी चीज़ें पाई जा रही है। इसीलिए इसको बोल रखा है हमने क्या, मैचुरेशन फेज। इसीलिए इस फेज को बोल रखा है हमने क्या, मैचुरेशन फेज। अब लेकिन ये एक कंडीशन में है, ये नॉन मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, और सर्कुलर शेप में, जो कि हमने बात की थी यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है कि इसमें स्पर्म में चेंज करना है, और वो उसका करेक्टर क्या हो, मोटाइल हो, जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लैंसलेट शेप में हो, ठीक है ना। तो यही आगे चलकर क्या बनेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पर्म्स पाई जाएगी कुछ इस प्रकार की, तीर के समान या भाले के समान, तीर के समान या भाले के समान स्ट्रक्चर के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाए, ठीक है ना। ये इसका अगला पार्ट होता है वो हेड कहलाता है, फिर बीच वाला पार्ट होता है वो मिडिल पीस कहलाता है, लास्ट में होती है इसमें टेल। टेल है तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ में आसानी से स्विम कर सकता है, तैर सकता है, ठीक है ना। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पर्म, जो कि हमने नेक्स्ट बोला है ट्रांसफॉर्मेशन इंटू स्पर्म, ठीक है ना। इस प्रोसेस का नाम हमने दिया स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मैचुरेशन फेज जो थी आपकी, स्पर्मेटिड थी, जो नॉन मोटाइल थे, वो किस में चेंज हो चुके, मोटाइल, MOTIL, मोटाइल एंड लैंसलेट स्पर्म में चेंज हो चुके हैं। और इस प्रोसेस को हमने बोला है क्या, स्पर्मियो जेनेसिस। क्या बोला है, स्पर्मियो जेनेसिस। तो स्पर्मियो जेनेसिस हम कैसे बोल सकते हैं, जब भी कोई नॉन मोटाइल सर्कुलर स्पर्मेटिड किस में चेंज हो,
मोटाइल या लेंस मोटाइल और लैंसलेट स्पर्म में चेंज हो क्या कहलाएगा, प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस कहलाएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को, ठीक है ना। हमने फर्स्ट फेज पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन फेज, फर्स्ट फेज पढ़ी है हमने मल्टीप्लिकेशन। अनडिफ्रेंशिएटेड प्राइमोडियल जर्म सेल्स, मैंने बोला था प्राइमोडियल जर्म सेल्स पाए जाए, क्या पाए जाए, प्राइमोडियल जर्म सेल्स पाए जाए, ठीक है ना। प्रोड्यूस सेल्स बाय सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, हमने भी यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन किया है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, विच आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल, जो कि क्या है, डिप्लॉयड सेल है, 2N लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आती है ग्रोथ फेज, नेक्स्ट आती है ग्रोथ फेज, जो कि हमने ये वाली बनाई हुई है। आफ्टर लास्ट डिवीजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन फेज, लास्ट डिवीजन ये वाला जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, सम स्पर्मेटोगोनिया गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम जर्म सेल एंड बिकम डबल इन साइज, साइज में क्या हो जाती है, बिल्कुल डबल हो जाती है, साइज में क्या हो जाएंगी, बिल्कुल डबल हो जाएगी। दीज आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच आर डिप्लॉयड, ये भी क्या थी, डिप्लॉयड थी, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ स्पर्मेगोनिया रिमेन्स इज सेमी फेस्टिबल्स एज एडिशनल स्टॉक, ग्रोथ फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज के रूप में मिलती है। नेक्स्ट आती है इसमें मैचुरेशन फेज, नेक्स्ट आती है इसमें मैचुरेशन फेज, टू हपलेट सेकेंडरी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, ओके। स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म बाय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोटिक का मतलब एक होता है माइटोटिक, माइटोटिक में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, मियोटिक में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दीज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिवाइडेड बाय मियोसिस सेकेंड, एज रिजल्ट टू स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटिड जो कि हमने नॉन मोटाइल बोला था, ठीक है ना, उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मींस फॉर हैप्लॉयड स्पर्मेट, अब इससे क्या हो जाएंगे, दो थे तो दो से हमने लिया चार हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते थे, ठीक है ना, जो कि हमने बनाया स्पर्मेटोगोनियम, माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो बने, फिर चार स्पर्मेटोगोनिया बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। फिर इन दो से ही बना के देखा हमने, इन दोनों की ज़रूरत नहीं बनाया हमने, इनमें क्या हुआ, इनका ही साइज क्या हो गया, डबल हो गया, इसको हम लोग बोल दिया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनको बोल दिया हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मियोसिस हो, और ये क्या हो जाए, हैप्लॉयड, चार हैप्लॉयड सेल्स में ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चार हैप्लॉयड सेल्स में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये कहलाएगी आपकी मैचुरेशन फेज, ये कहलाएगी आपकी मैचुरेशन फेज। उसके बाद में आएगा आपका प्रोसेस, ये जो स्पर्मेटिड्स बने, नॉन मोटाइल बने, नॉन फंक्शनल बने, ठीक है ना, इनसे क्या हो, स्पर्म का फॉर्मेशन हो, जो कि हमने सेकंड स्टेप के रूप में देखा है। इस प्रोसेस को हमने बोला क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को हमने बोला क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पूरा का पूरा डायग्राम किसका हो गया, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का, बाकी का हम स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।